हर की नुमाया जाले Yeah.
कृष्णा कृणा सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका का
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्रिपतमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्द माधवम्। सभी उपस्थित भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुनने भी तुम्हें सेवा का मौका दिया। आज उनको बुला लीजिए आगे। श्लोक संख्या है आज 14th चैप्टर का 20th श्लोक 14.20। इस चैप्टर का नाम है प्रकृति के तीन गुण 14.20। मेरे साथ साथ दोहराइएगा। गुणान एतान आदित्य त्रीना देही देहा समुद्र भवान जन्म मृत्यु जरा राधु खे विमुक्तो अमृत अश्रुते गुणानि नितानि दोबारा सुनिए अलग थोड़े इसमें संजीव विशेष हिसाब से पढ़ती है। गुणान एतान आदित्य देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ता अमृतम अश्रुते गुणान एतान आदित्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ता अमृतम अश्रुते। अनुवाद मेरे साथ साथ बनाइएगा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से समृद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। एक बार श्लोक जो है आपको भी आप भी बोलेंगे है ना। तो किसके पास है बुक यहाँ पर? ये दो बच्चे बोलेंगे फिर माता ठीक है। देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे बोलिए मृत्यु जरा
जोर से बोलिए। बोलिए बोलिए आगे कंप्लीट करिए। बाकी उनका साथ दीजिए आप, जो आप सब मिलके जोर से बोलिए ना। तो सबसे पहले हमने जो सॉन्ग गाया था उसका मीनिंग ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण, हमने जो सॉन्ग गाया था उसका मीनिंग ध्यान से सुनिएगा। हे मछली सदृश जीवों, हे मछली सदृश जीवों, मतलब हमारे तुलना कर रहे हैं मछलियों को, मछली की तरह दिखने वाले जीवों, तुम माया के जाल में क्यों फंसे हुए हो? तुम नहीं जानते कि इस प्रकार से तुम सदा के लिए बंद हो जाओगे, भौतिक बंधन के चंगुल में हमेशा के लिए बंद जाओगे। अत्यंत तुच्छ इंद्रिय तृप्ति को भोगने की आकांक्षा से माया की रस्सियों द्वारा बांध दिए गए हो, अतः दंड के रूप में तुम विकृत प्रतिकूल स्थिति में गिर गए हो और पूरी तरह से पराधीन हो गए हो। अब भक्ति के बल पर, ध्यान सुनिएगा, भक्ति के बल पर कृष्ण प्रेम रूपी सागर के जल में मुक्त रूप से सरलता से क्रीड़ा करते, आनंद उठाते हुए, बिना किसी चिंता के केवल कृष्ण के अधीन होकर कृष्ण के आश्रय में रहो। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा था, इसका हमने अनुवाद पढ़ लिया था, तात्पर्य इस प्रकार है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। यही चक्कर होता है, क्योंकि ना एक व्यक्ति पर सब उठना शुरू होते हैं तो सभी उठ जाते हैं। आप तो बैठे ही हैं, चले जाएंगे हैं, कब जाना? ये एक्चुअली ये दुर्भाग्य है ना एक्चुअली, क्योंकि आप हम भगवद गीता का श्लोक पढ़ेंगे, ये भगवान की वाणी है। तो कोई बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो चीज़ों को समझ सकता है ना? बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना, जिसके अंदर हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, जिसमें आनंद आता है, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन सुनना बड़ा मुश्किल है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संकेत है, और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो ये जो अध्याय है इसके अंदर प्रकृति के तीन गुणों के बारे में बताया गया है। इसके ऊपर हमने एक ड्रामा भी करा था, आप सबको याद होगा, एक जीवात्मा थी और उसके ऊपर सतोगुण रजोगुण और तमोगुण प्रभाव डालते हैं, है ना, करा था, याद है? हाँ,
तो ऐसे एक सत्वगुण था, एक रजोगुण था, एक तमोगुण था, तीनों अपना प्रभाव डालते हैं। तो उसी प्रकार हम हमारे जीवन के अंदर भी ये तीनों गुण प्रभाव डालते हैं। ये तीनों गुण जो हैं ये किसके अधीन रहते हैं? और कोई भगवान के बाद, भगवान तो सबके करता है, माया देवी, तीनों गुण जो है माया देवी जो है इन तीनों गुणों को पकड़ के रखती है। और किसके कहने पे पकड़ के रखती है? भगवान के कहने पे, है ना। हर व्यक्ति जो है वो गुणों के अधीन है। सारी चीजें गुणों से बनी हुई है, है ना। सभी चीजें गुणों से बनी हुई है। हम कहते हैं ना कि पंच तत्वों से शरीर बनाए, पंच तत्वों से दामोदर प्रभु शरीर बने, पांच तत्वों से, है ना, पांच सूक्ष्म तत्व या स्थूल तत्वों से। किससे बनाए? सूक्ष्म से या स्थूल से? स्थूल तत्व। और तीन सूक्ष्म तत्वों से शरीर बना है ना। लेकिन ये अगर आप इसको और जैसे कहते हैं ना समराइज सौ में देखोगे और समराइज कर दोगे तो हर चीज जो है ना गुणों से बनी हुई है। हर चीज किससे बनी हुई है? तो ऐसा कौन सा जीव है जो रजोगुण से बना हुआ है? आप बताइए कौन, हाथ खड़ा करिए, किसको बताए जो रजोगुण के उसके अंदर, मतलब माया देवी ने रजोगुण का जो है ना, कुछ भी बताइए। जीव तो जीव होते हैं, जीव जानवर भी होते हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ रजोगुण से कौन सा जीव बना हुआ है? बोले रो बोले क्या कहें? रजोगुण से कौन सा जीव बना हुआ है? शेर, शेर, हाँ शेर बना है रजोगुण से, है ना। अब बताइए, हाँ जहाँ भी मतलब उसको रजोगुण से बना, उसको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है ना, भागता रहता है इधर से उधर, है ना। राजा है, राजा को अब रजोगुण होना जरूरी है ना, तभी तो वो राजा राजा कहलाएगा, तभी तो वो शासन करेगा ना, उसको गुस्से में रहेगा, भड़काएगा कि तुम चुप रहो नहीं तो आपको सजा मिलेगी, है ना। इस तरीके से करते हैं ना राजा। शेर बनाए रजोगुण से। अब इन्होंने बता दिया तो तेज को मिलते हैं पूरे पांच फण। कितने मिलते हैं? पांच फण, है ना। इनके लिए हरी बोल बोलिए। अब ये दोबारा बोलेंगे, इनके पांच नंबर छीन के आप सब में बांट दिए जाएंगे, है ना। एक चांस भी मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन, तमोगुण से कौन सा जीव बना हुआ? हैंड रेज करिएगा, गलत बताने पर पूरे पांच नंबर माइनस। तमोगुण से कौन सा जीव बना हुआ है? किस किसके हाथ रेज है? एक तो दामू का है और एक कृष्ण प्रभु का है। आपका रेज है, गलत देंगे तो आपके पांच नंबर गए। तो पहले दामोदर से पूछते हैं, दामोदर तमोगुण से कौन सा जीव बना? जीव, जीव कौन सा जानवर बताओ, जल्दी बताओ। कौन सा भालू? नहीं नहीं आपको नहीं बताना, भालू कौन सा? चलो कोई बात नहीं, इनको बाद में बताएंगे। हाँ आप बताइए। स्लॉट है, स्लॉट है। ये कैसे होता है दिखने में? जब वो जो ऐसे ऐसे चलता है वो तो महीने भर में पेड़ के ऊपर पहुंचता है। मेहनत तो करता है उसको, ताकत मतलब उसकी, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बड़े पुअर हैं, है ना। मतलब आप ऐसे वो आप सोचेंगे कि इसका हाथ वहाँ तक जाएगा, उतने में तो दो दिन निकल जाएंगे, लेकिन उसका हाथ जा रहा है उसका हाथ जा रहा है, लेकिन आपको नहीं ना कि वो वहीं रुका हुआ, धीरे 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 जा रहा है, दो दिन में पहुँच जाएगा, है ना। ऐसे है, लेकिन आलसी मतलब जो सोता रहता है। तो मैं बताता हूँ, नहीं नहीं आपको उन्होंने बताया ना, मैं वो है पोलर बियर। पोलर बियर जो है वो क्या करता है कि वो बर्फ की चादर ओढ़कर सोता रहता है, छः महीने तक सोता रहता है, अंदर ही सोता रहता है बर्फ के अंदर, बर्फ ही उसकी चादर है। जितनी मोटी चादर होगी उतना मज़ा आएगा उसको, और हमने अगर वही चादर उड़ेल दी बर्फ की तो हम जम जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो दामोदर प्रभु को मिलते हैं पूरे तीन नंबर। बोलिए हरी बोल। हरी बोल।
वो इतना नहीं टूटा, ये आलसी के लिए वही पोलर बियर मशहूर है ना, क्योंकि वो बर्फ के अंदर टूटता है। ये भी आलसी होते हैं लेकिन इतने आलसी नहीं होते, क्योंकि लैंड पे रहते हैं ना, कोई ना कोई तंग करने आ जाता है। बर्फ के नीचे कौन आएगा तंग करने? बर्फ के नीचे सो रहा है व्यक्ति, कौन आएगा तंग करने? आप रजाई ओढ़ के सोते हैं, बाहर से कोई आता तंग करने? नहीं। अच्छा अब बताइए, शत्रुकोण से कौन सा जीव बना हुआ है? आप नहीं, आप द्वारा अब कौन बताएंगे जो बचे? शत्रुकोण से कौन सा जीव बना हुआ है बताइए? आपके पांच नंबर माइनस। मैंने बताया नहीं, पांच माइनस नहीं, आप अभी आप हैंड रेस कर लीजिए। शत्रुकोण से कौन बना हुआ है? इनके पांच माइनस हो चुके हैं। हरी बोल, बोलिए हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल, कृष्ण भगवान जी बहुत अच्छा बताया। गाय माता जो सत्वगुण से बनी है ना, और जो ये इंसान है इसके अंदर जो है ना तीनों चीजें, तीनों चीजें कभी ज्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, है ना, लेकिन प्रधानी भूत अवस्था में इन जानवरों के अंदर ये चीजें प्रधान है। मतलब सत्वगुण गाय में प्रधान है, कभी कभार हो गया रजोगुण, लेकिन प्रधान अवस्था में क्या है? सत्वगुण। शेर में क्या है प्रधान अवस्था में? रजोगुण। कभी कभार आपने जैसे अगर बेचारा मतलब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा तो कोई इंसान जाएगा तो उसको प्यार करेगा, पूंछ हिलाता हुआ, वैसे उससे उम्मीद नहीं कर सकते आप कि वो पूंछ हिलाएगा या आपको चाटेगा। चाटेगा भी तो चाटने से ही उसकी साथ पूरी आपकी उतर के उसके मुंह में चल जाएगी। हाँ, बहुत तगड़ी जीव होती है उसकी, है ना। और शेरनी का जो दूध भी है वो भी बड़ा खतरनाक होता है, वो अगर वो जो है उसमें सोने के बर्तन में उसको रखा जाता है, अगर सोने का बर्तन नहीं होगा तो फिर वो खराब हो जाएगा, है ना। शेरनी का दूध आप समझ रहे कौन निकालेगा जाके? अच्छा, बड़ा खतर, उसके अंदर रजोगुण भारी भारी मात्रा में होता है। आप दूध निकालने जाएंगे तो फिर आने की उम्मीद कम है, है ना, है क्या नहीं? आने की उम्मीद कम है, तो बहुत कम है। और जो गाय माता होती है वो प्रधान, ये गाय माता होगा। और जो तमोगुण ये जो होता है भालू, ये सोता रहता है, बहुत कम आपको लगेगा कि बहुत कम होगा ये कि भाई चलो आज कुछ कर लेते हैं, तो एक इंसान होता है जिसके अंदर तीनों गुण भारी मात्रा में होते हैं और तीनों गुण आपस में खेलते रहते हैं एक दूसरे से बांधे रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर होते हैं, खेलते हैं आपस में, है ना। कभी क्या होता है सत्वगुण जो होता है रेसलिंग मैच चलता रहता है शरीर के, कभी तमोगुण जो होता है वो रजोगुण और को और सत्वगुण को धोबी पछाड़ दे देता है। क्या देता है? धोबी पछाड़। और कभी जो तमोगुण है वो रजोगुण और जो होता है सत्वगुण उसको जो है पटकी दे पटकनी दे देता है, है ना, उसको क्या देता है? पटकनी दे देता है। कौन दे देता है? तमोगुण। पटकनी वाले उठा के फेंकना। कभी कभी रजोगुण जो होता है वो तमोगुण और सत्वगुण को का गला दबा देता है। क्या दबा देता है? गला दबा देता है, है ना। तो अब हमारे साथ ये गुण खेलते रहते हैं, हमारे अंदर होते हैं ये सारे, हमें से खेलते रहते हैं। जो जब हमारे ऊपर तमोगुण हावी होता है तो इंसान सोता है, घोड़े बेचकर सोता है और सोता रहता है, और उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। वो सोचता है कि भाई मैं दुनिया पे बोझ हूँ और दुनिया वाले मुझ पर बोझ हैं, है ना, है कि नहीं। और जब और उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता। और आज आजकल जो समाज है, आजकल जो समाज है वो घोर तमोगुण से बना हुआ है। आजकल लोगों का कुछ भी करने को मन नहीं करता, है ना। और ये तमोगुण को बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुएं होती हैं। तमोगुण के अंदर अगर हम तमोगुण डालेंगे तो क्या होगा? तमोगुण बढ़ेगा। तो कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो तमोगुणी होती हैं, जैसे कि शराब। तो आजकल जो तमोगुण व्यक्ति है, हैं सिगरेट, एक बार फिर से जोर से बोलो, सिगरेट, हाँ सिगरेट होती है ना, तो वो भी तो वो सिगरेट होती है और शराब होती है, तो ये तमोगुणी होती है, है ना। लेकिन जो इंसान के अंदर तमोगुण होता है और जो शराब के अंदर तमोगुण होता है उसमें जो है किसके अंदर तमोगुण ज्यादा होता है? क्यों है? बिल्कुल सही कहा, इंसान इतना घोर तमोगुणी होता है कि आजकल सरकार को भी
ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है कि आप अपने घर में ही पड़े रहिए, शराब आपके घर पे पहुँचेगी, है ना। लेकिन वो शराब तक भी जाएगा नहीं, उसको मन नहीं करता शराब तक जाने का, तो वो घर पे ही आएगी शराब, और अगर नहीं आएगी तो वो सुसाइड करेगा, है कि नहीं। क्योंकि वो हाँ दूसरे जानवरों को मार दिया, हाँ हाँ आजकल क्या होते हैं डिलीवरी बॉय आता है ना, वो कौन सा है, वो के एफ जी है ना, के एफ जी के एफ सी के एफ सी सी है, अरे सी के एफ जी के एफ सी जो है वो आपको चिकन प्रोवाइड कराता है, आपको घर नहीं बनाना है, आपकी सारी मेहनत वो करेंगे, आपको घर घर लेके जाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि इंसान के अंदर बहुत भारी मात्रा में तमोगुण होता है, इंसान के इतना तमोगुण होता है, शराब से भी ज़्यादा तमोगुण होता है, अगर वो अपने पे आ जाए ना तो उसके अंदर इतना तमोगुण हो जाएगा, इतना तमोगुण हो जाएगा कि उसका तमोगुण उसको मार देगा, इसलिए कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। और कभी वो तमोगुण जो होता है रात को बड़ा बढ़ जाता है, रात को क्या होता है बढ़ जाता है, तो ये तो हो गया तमोगुण। और इसी प्रकार होता है रजोगुण, रजोगुण जिसके जिस इंसान के अंदर होता है वो भागता रहता है, किसके पीछे, पैसे के पीछे, है ना, मनी इज स्वीटर देन हनी, है ना, भागता रहता है पैसे के पीछे, भागता है ना। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, वो वाली प्लेन लिविंग नहीं, नीचे वाली प्लेन है, प्लेन लिविंग, प्लेन के अंदर बैठ के जो लिविंग होती है वो हाई थिंकिंग वाला व्यक्ति, प्लेन होना चाहिए हमारा, उसके प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, प्लेन में हम लिव करेंगे ऐसी सोच होती है, है ना। तो ये व्यक्ति जो होता है पैसा कम, उसके जीवन में एक ही मकसद है, चोरी करो डकैती डालो, उसको पैसा चाहिए। और वो व्यक्ति जो होता है पैसा पैसा करते हुए कुछ मतलब उसके शरीर को अपने शरीर को त्याग देता है और कोई भी अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता है। इसका उदाहरण है सिकंदर, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट उसे बोला जाता था। तो वो सिकंदर अब बहुत छोटी उम्र में उसने कई राज्यों को जीता, सब जानते हैं ना उसके बारे में, और जाती दफा वो कुछ लेके नहीं गया। अब उसके दोनों हाथ जो हैं, उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और ये संसार को दिखाना कि इस संसार में कोई भी कुछ भी लेके नहीं आता है और कुछ भी लेके नहीं जाता है, और जिस जहाँ से मेरी अर्थी को लेके जाया जाएगा वहाँ पर मेरी सारी धन दौलत वहाँ पर बिछा देना, ताकि लोग देख सकें कि मैं कुछ भी लेके नहीं जाता, है ना। तो ये पैसा, ये धन दौलत जो है ये भी हमारे साथ नहीं जाती। और ये रजोगुण की प्रधानता कब होती है, रजोगुण की प्रधानता कब होती है, 8 बजे के बाद जब दिन शुरू होता है ना तो रजोगुण बढ़ जाता है। जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती है रजोगुण बढ़ता है, है ना, सूरज की गर्मी बढ़ती है तो रजोगुण बढ़ता है, और सब लोग जितने भी लोग हैं सब भागने शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि देखो इस संसार में सब लोग भाग रहे हैं, जैसे ही सूरज निकलता है सब लोग भागना शुरू कर देते हैं, पहले सो रहे होते हैं तमोगुण में, फिर उठते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, कोई कार में इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो मृत्यु आ जाएगी, और मृत्यु कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में आएगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, जिसको ये नहीं पता कि मुझे मृत्यु आएगी, वो व्यक्ति क्या है, तमोगुणी। और तो सतोगुणी व्यक्ति कौन है, दामोदर प्रभु सतोगुणी व्यक्ति कौन है, कौन है सतोगुणी व्यक्ति, क्या बकरा भक्त बहुत बढ़िया तो भक्त है तत्वगुणी, ऐसा नहीं है भक्त तत्वगुणी है, प्रयास करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद व्हेन वी फॉल इन माया, तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया एवरी टाइम वी आर इन माया समटाइम वी फॉल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, समझे आप, हमेशा हम माया में रहते हैं, सब कुछ देर के लिए हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में गलती से गिर जाते हैं, वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में,
और अगर कई अगर उसके बाद अगर आपने भक्ति शुरू करी ब्रह्म मुहूर्त के बाद, तो पूरी तो वो जो भक्ति होती है जो आपने ब्रह्म मुहूर्त के बाद शुरू करी, वो जो होती है गुणी भूत भक्ति होती है। क्या होती है? क्योंकि उस समय गुणों का प्रभाव भी आप पे पड़ता है ना। जैसे अंधेरा है, अंधेरा हो गया, लाइट बंद कर दिया आपने, अब लाइट के बंद कर दी तो आप माला कर रहे हो, तो माला करना आसान होगा या जब मुश्किल होगा? आसान होगा, अंधेरे में माला करना आसान है। डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, अंधेरा कायम रहेगा। तो कुछ लोग कर सकते हैं माला, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर अंधेरे में कोई माला कर रहा है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसके ऊपर तमोगुण तो पड़ेगा ही, जैसे अंधेरा हुआ तो अंधेरा तो हमारे पास पड़ रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अंधेरा पड़ रहा है और माला कर रहा है, तो और माला कर रहा है उसके बाद अंधेरा पड़ रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, तो माला कर रहा है उसके बाद अंधेरा पड़ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो अंधेरा मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो माला कर रहा है तो उसका रिजल्ट जो है उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब उसको ये पता ही नहीं है कि अंधेरा मुझ पर पड़ रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो जो अंधेरे को पार कर चुका है, जो अंधेरे को जानता है कि अंधेरे का स्वरूप क्या है और उजाले का स्वरूप क्या है, जिसे कहते हैं शुद्ध भक्त, वो अंधेरे में भी कर रहा होगा ना, तो वो अंधेरे में भी उजाले को देखेगा, समझे आप? एक व्यक्ति अंधेरे में अंधेरे को देखेगा और एक व्यक्ति अंधेरे में उजाले को देखेगा, समझे आप मेरी बात? इसलिए कहा गया कि भक्ति भी तीन प्रकार की होती है, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति। देखिए अभी भक्तों इस तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को हम भक्तों के समाज में देखते हैं। तमोगुणी भक्ति कौन सी होती है? जैसे श्रेष्ठ लोग कह रहे हैं अंधेरे में माला करना है ना, पता ही नहीं कि, क्योंकि तमोगुणी मतलब हो सकता है कि जाग रहे हूँ लेकिन इनको इनको पता नहीं कि उजाले की क्या वैल्यू है ना, समझे? तो अब क्या होगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति आया और जैसे एक दिन अमन प्रभु अपना साधना स्कोर दिखा रहे थे मुझे, ऐसे कोई कोई व्यक्ति अपना जैसे मतलब बहुत साधना करता है और वो अपना जो है साधना स्कोर नहीं भेजता है, तो वो व्यक्ति वो भक्ति होती है तमोगुणी भक्ति। कौन सी होती है? तमोगुणी, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को जानना ही नहीं चाहता है। दूसरा तमोगुणी भक्ति कौन सी होती है? कि जब आप माला करते हैं, लेकिन माला करने का जो उद्देश्य होता है, माला करने का उद्देश्य ध्यान से सुनिएगा, माला करने का उद्देश्य होता है कि मेरी बॉडी बन जाए, मेरी ट्राइसेप्स बन जाए, बाइसेप्स बन जाए, सिक्स पैक एब्स बन जाए, है ना, समझे आप मेरी, ये मेरे शोल्डर बन जाए। और तमोगुणी भक्ति कौन सी होती है? जब व्यक्ति भक्ति करता है और साथ साथ चाहता है कि मैं स्कूल में फर्स्ट आऊँ, हर चीज में फर्स्ट आना है मुझे, ये कौन सी भक्ति है? तमोगुणी। वो ऐसे बोलेगा नहीं, कभी बोलेगा नहीं ऐसे कि मैं भक्ति करूँ, हाँ सोच रहा होगा वो, मतलब दिमाग वहीं जाएगा, कर रहा होगा और उसका दिमाग वहीं जाएगा कि अच्छा माला करते 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 नंबर इस बार दो नंबर कैसे कमा रहे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, ये तो मैं हूँ, मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे कर दिया मैंने, है ना, समझे आप? तो ये एक्चुअली क्या है कि समझे आप, ये क्या है? तमोगुणी भक्ति है, क्योंकि इसमें ना गुण प्रधान है, इसको कहते हैं गुणी भूत भक्ति। और अगर रजोगुणी भक्ति कौन सी होती है? रजोगुणी भक्ति वो होगी जब व्यक्ति साधना स्कोर भेजेगा, दुनिया जहान को भेजेगा, चाचा ताऊ को भेजेगा, मामा को भेजेगा, मामी को भेजेगा, है ना, काका को भेजेगा, काकी को भेजेगा, है क्या कह रहे हैं, गा गा के भक्ति करेगा, गा गा के भक्ति करेगा, है ना। आज मैंने करी है चौंसठ माला, कहाँ है सब मेरे को चाहने वाले, बताएगा कि नोरा मिटे है ना। सुनो सुनो सुनो, आज का ताजा समाचार जो आपके जीवन को बदल सकता है, मैंने करी है 64 प्लस माला, है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, और पीछे दवा जाइए, आज हमने जो है 70 करी है, नहीं है ना, तो समझे आप मेरी। तो ये है क्या, कौन सी भक्ति है? रजोगुणी। और वो जो है ना वो व्यक्ति, ये भक्त समाज की बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, 24 घंटे सोचेगा कैसे पैसा बढ़ सकता है, कैसे पैसा बढ़ सकता है, अब कल के बारे में सोचेगा,
कल के बारे में सोचेगा, ऐसा नहीं है कि कल के बारे में नहीं सोचता है, कि जरूर से ज़्यादा सोचेगा, है ना, जरूर से ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि दिमाग भगवान ने ज़्यादा दे दिया है, सोचेगा कि इतना करने पे इतना होगा और उस समय जब मेरे पास करोड़ों होंगे तो काम नहीं चलेगा, करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए, 10 करोड़ तो कम से कम होने चाहिए। अच्छा, वो सोचेगा, भक्ति भी करना है वो सोच भी रहा है, तो ये क्या है, रजोगुणी भक्ति, ये सटल लेवल पे है, सटल लेवल पे है, ठीक, बच्चे हैं सोच रहे हैं, एक दिन जो है हमें इस पूरे एरिया का टॉपर हूँ, है ना, और IAS की पोस्ट मेरी होगी और मैं, मेरे को कार मिलेगी, बंगला मिलेगा, ऐसा सोच रहा हूँ, है ना, भगवान के बारे में नहीं सोच रहा कि हाउ टू सर्व गॉड, वो अपने बारे में ही सोच रहा है, तब ये रजोगुणी भक्ति है, और ये आपको पता ही नहीं होता है कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए एक ये कोर्स है, भक्ति प्रकारा कोर्स, वो मैंने करा था, कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसलिए हमें ये पूरा पता करना चाहिए कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, और ऐसी सतोगुणी भक्ति, सतोगुणी व्यक्ति क्या होगा, उसको कुछ भौतिक इच्छा नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, उसको अगर मतलब उसको मतलब अगर वो करेगा भी तो इसलिए करेगा ताकि भगवान की लक्ष्मी का नुकसान ना हो, क्योंकि घर पे रखेंगे तो क्या होगा कि कोई चुरा भी सकता है, ना चाहते हुए भी हम जो चीज़ सामने होती है उसको हम यूज़ करते हैं, है ना, कोका कोला फ्रिज में है, आपको मना कराया गया है कोका कोला करने पीने के लिए, तो आप ज़बरदस्ती फ्रिज में खोल के कभी भी पी सकते हो ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये आपके जीवन में भी, आप अगर मतलब भौतिक भौतिक चीज़ें जो हैं आपकी नज़रों के सामने हैं, आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन वो आपके सामने, आप कभी भी उन तक पहुंच सकते हो, इसलिए ना, इसलिए यहाँ पे तीनों गुणों से ऊपर निकलने की बात हो रही है, आप 2 गुणों से ऊपर निकल गए, तमो से निकल गए, रजो से निकल गए, अब सतोगुण में आ गए मान लो, और सतोगुण से भी ऊपर जाना है, कैसे जाओगे, पहले सतोगुण में स्थित होना है, सतोगुण में कैसे स्थित होना है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उसको नज़रों से दूर रखो, क्या रखो, है ना, जैसे दामोदर प्रभु आपको कौन सी चीज़ परेशान करती है, कौन सी चीज़ परेशान करती है, तो सोचते बहुत ही है ना, आपको कौन सी चीज परेशान करती है, कौन सी चीज परेशान करती है आपको, जो आप ना चाहते हुए करते हो, टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, अब ये देखिए, अब भले ये कौन सी भक्ति है, हैं, कौन सी भक्ति, ये इनको पता ही नहीं कौन सी भक्ति है, नहीं नहीं अभी इनको मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप कौन सी चीज़ परेशान करती है और ये बता नहीं पा रहे, तो ये कौन सी भक्ति है, ये तमोगुणी भक्ति है, क्योंकि आपको आप इग्नोरेंस में हो, आप बताइए प्रभु क्या चीज़ परेशान करती है, आप फोन परेशान करते हैं, फोन तो 99 आने, जिसने फोन बनाया था उसकी उसने पहली दफा फोन बनाया और उसने कान पे लगाया फोन, है ना, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उसने कान पे लगाया फोन और बोला हेलो, क्या बोला, हेलो हेलो, उसकी पत्नी का नाम था ये हेलो जब वहाँ से आया, हेलो हेलो, वो हेलो हेलो फोन के करके वो चली गई पत्नी, है पत्नी सुना था, चलो एक बार फिर पता करना, ठीक है ना, चलो जो भी है अपना ही था कोई, है ना, अपना चला गया, तो वो अपना तो वो हेलो चला गया ना, हेलो, अब जिसने मोबाइल बनाया वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि ये मैंने क्या बना दिया, आप समझ रहे मेरी बात, ये मोबाइल जो है ये माया का सबसे बड़ा अस्त्र है, एक मोबाइल के अंदर सब कुछ है ना, इसलिए ना आप बच्चों को ना रात को मोबाइल बंद कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, सुंदर गोपाल प्रभु जी तो कहते हैं 8 बजे के बाद 8 बजे भी बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमारी मीटिंग्स होती हैं इसलिए चलाना पड़ता है, मैं भी 10 बजे बंद कर देता हूँ मोबाइल, फेंक देता हूँ दूर फेंक दे बाहर में जाए मोबाइल, मन तो करता है लेक्चर सुनने का, कई बार बहुत मन करता है कि मैं सोते सोते मैं कान में डाल लेता हूँ, लेकिन बड़ा दुखी रहता हूँ मैं, भाई ये मोबाइल जो है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना आँखें भी दुखने लगती हैं, आप फिर चश्मा लग जाएगा आपको, है ना, तो अच्छा ये अगर मोबाइल दूर फेंक दो, पहले जब मोबाइल नहीं था तब भी तो हमारा जीवन आसान था, आपने तो वो टाइम नहीं देखा, माता जी ने देखा होगा जब मोबाइल नहीं था तब कितना ईजी है जी,
जब भी हो रहा था काम, और मैंने वो देखा, मैं एक्चुअली ना ये ना कब आया मोबाइल, मैं जब 2000 में 2000 के आसपास ही आया हूँ, मैंने तो देखा है कि हमारे घर में सबसे पहले फ़ोन था और आस पड़ोस के लोग भी आते थे फ़ोन करने के लिए, है ना, और उसमें लंबी बातें हो नहीं सकती थी क्योंकि इतना है ना, और पॉइंट टू पॉइंट बात होती थी है जी, हाँ महंगा आता था, और ना लेकिन ना जीवन बहुत आसान था, है ना, क्योंकि लोग बाहर आके बैठते थे, जब मोबाइल नहीं था तो लोग बाहर गर्मी में बाहर आके बैठते थे, अब लोग सब मोबाइल में लगे रहते हैं, है ना, और मोबाइल इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं इसके अंदर, और ऊपर से इसके अंदर क्या होता है कि ना इसके अंदर जो सच्चाई है वो वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब ऐसा है नहीं लेकिन दिखा रहा है, और पता है मैं आज ही इसके ऊपर एक और कॉमेंट डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, पूरी इंडस्ट्री जो है ना, ये पूरी इंडस्ट्री मोबाइल इंडस्ट्री जो इसराइल ने गवर्न कर रखी है, इसके अंदर जो चिप डलते हैं एंड्रॉयड जो है ये पूरा इसराइल के हाथ में, मतलब यहूदी जूस इस पूरी इंडस्ट्री को संभालते हैं, गूगल ये भी यहूदी जो है वो संभालते हैं, पूरी संसार की इकोनॉमी जो है उसका करता धरता जो है वो यहूदी है, इसलिए इसराइल मोस्ट पावरफुल कंट्री है संसार, उससे कोई लड़ नहीं सकता, है छोटा था, सारी हर चीज़ उनके हाथ में, विंडोज उनकी आती है, विंडोज़ उनकी आती है, और गूगल का सिर्फ एक काम नहीं कई काम है, गूगल के जीमेल भी हैं, जीमेल पूरा वो गवर्न करते हैं, पूरा डाटा उनके पास है, अभी अडानी का क्या कह दिया उन्होंने, अडानी से किसी का झगड़ा हो गया था, तो वो वहाँ पे कोई फॉरन में कोई पता नहीं चपड़ाती है कि कोई है, तो वो भी वो कुछ वो होगा कोई, वो भी यहूदी था पता नहीं, कुछ ज़्यादा अमीर नहीं था, तो उसने कुछ मतलब एक पेगासस एक इनका सीक्रेट सॉफ्टवेयर है, और एक और सॉफ्टवेयर है इनका पेगासस सॉफ्टवेयर जो है ना अपने आप, क्योंकि पूरा मोबाइल उनके के उनकी मुट्ठी में है, तो ये सिर्फ मोबाइल है, इसके अंदर कोई चीज़, इसके अंदर प्ले स्टोर है वो उनका है, प्ले स्टोर का मालिक वही है, और इसके अंदर अगर आपको पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे सारे डाटा को खींच लेगा, वो पेगासस इमरान खान जो पाकिस्तान का जो था प्रेसिडेंट, तो उसको क्या कर दिया, उसके अंदर उसके मोबाइल में अपने आप इंस्टॉल हो गया, उसका सारा डाटा चला गया, है ना, तो आप ये सोचिए कि कितना खतरनाक है ये मोबाइल, अब ये मोबाइल जो है ना इसके अंदर जो वो जो दिखाना चाहें, इसके अंदर पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री उनकी मुट्ठी में है ना, तभी तो देखिए आप फिलिस्तीन इतना था उसको काट काट कर इतना कर दिया, अब वो बचेगा नहीं उनके, मतलब आप देखिए क्या सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, कितनी मेहनत करी होगी, पूरा संसार एकदम उनकी मुट्ठी में है, माया का प्रभाव है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप जो भी कर रहे हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट कुछ और लोग उठा रहे हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आप सिर्फ इसको भोगने का एक भोग भी नहीं पा रहे आप इसको, एक होता है ना एक आप ऐसे क्या कहते हैं उसे, जैसे एक व्यक्ति होता है ध्यान से सुनिएगा, जिसको कार नहीं है और उसको उसने ये देखा सोचा कि मेरे पास कार आ जाए, तो कार आ जाए की जो सोच है उसमें ज्यादा खुशी है कि बजाय कार आ गई, समझे मेरी बात, तो ये मोबाइल जो है ये आपको वो चीज दिखाता है जो आपके पास आ नहीं सकती लेकिन वो दिखाता है, उस दिखाने में खुशी है ना, तो इसलिए इसे इसको हमें इसको हटा देना चाहिए, तो जब ये चीजें हट जाएंगी आपके जीवन से तो सत्वगुण में आप आएंगे, सत्वगुणी व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञानी मतलब रोज भगवत गीता पढ़ेगा, 16 माला करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, अपने मम्मी पापा का कहना मानेगा, अपने फैसिलिटेटर जो है जो उन्होंने सेवा दी है वो करेगा, सुरभि कुंड जाएगा, इस्कॉन मंदिर आएगा, सुरभि कुंड सैटरडे को आएगा, इस्कॉन मंदिर संडे को आएगा, है ना, तो इस तरीके से भक्तों का संग करेगा, सेवाएं करेगा, कीर्तन करेगा, बहुत कुछ करेगा, जो भी है जो भी भक्ति के अंग है उसको करेगा, जब वो ऐसा करेगा तो ज्ञान होगा, पहले ज्ञान होगा कि सही क्या है गलत क्या है, और जब ज्ञान हो जाएगा उसके बाद उसका हृदय शुद्ध होगा, और जब उसका हृदय शुद्ध होगा तो वो इस तीनों गुणों को पार कर जाएगा, ठीक है ना, तो आज के श्लोक में यही बताया गया कि अगर आप इन गुणों को पार करना चाहते हैं तो आपको सत्वगुण में आना पड़ेगा, और भक्त समाज के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, अगर हम सत्वगुणी भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कल नहीं फल की इच्छा तो कर मतलब उतनी करो कि भाई जैसे आपका परिवार है उतनी करो कि हाँ आपको मतलब
उसके इतने मतलब जब आपको ऐसा हो ना कि आपने ज्यादा मेहनत करी है और उसकी वजह से आपकी माला नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब वो उसकी आपने इच्छा ज्यादा कर ली है। जब आपकी माला हो पा रही है, सेवाएं ढंग से हो पा रही है, तो इसको आप ढंग से टाइम से उठ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप जो हो सतोगुणी हो। और यहाँ से ऊपर निकलना है तो पहले तो सतोगुण में आओ, फिर ऊपर निकलोगे, है ना? समझे रामदान आप? नहीं समझे? ठीक है, बस अब हम यहाँ पे विराम देंगे, लेकिन एक चीज है, सब भक्त एक एक पॉइंट बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दामोदर प्रभु से। बताइए क्या अच्छा लगा, एक पॉइंट बताइए, जोर से बोलना, बहुत जोर से माइक। कैसे जाना चाहिए हैं? सतोगुण में रह के, सतोगुण में रह के फिर ऊपर, फिर ऊपर जाने जाना चाहिए हैं? फिर क्या होगा ऊपर जाने से, क्या होगा? भगवान की प्राप्ति, भगवान तो ऊपर रहते हैं ना, सतोगुण से ऊपर कौन रहता है? ठीक है, सेकंड पॉइंट आप बताइए क्या अच्छा लगा। दामोदर तो पूरे पांच नंबर, नहीं नहीं कुछ और पॉइंट बताइए आप सोचिए। हाँ सनी प्रभु आप बताइए क्या अच्छा लगा, सारे में एक छोटा सा बताइए। माया भी शक्ति से दूर रहते हैं, कौन सी शक्ति है माया भी? कौन से दूर रहते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? रात को बंद कर देना चाहिए, कुछ भी हो स्विच ऑफ कर देना। अच्छा ठीक है आप बताइए रात को। जोर से बोलिए, आप तो बहुत अच्छा, सबसे अच्छी आवाज आपकी, बोलिए। वो तो बोल दिया दामोदर ने, बोल दिया वो तो कर देंगे स्विच ऑफ। और बताइए कुछ भी बताइए, जो कुछ ना सब कुछ सुना, मतलब कोई और एग्जांपल भी सुना है ना थोड़ा सा। वो किस में आता है कूलर भी? जड़ी गुण में आता है कूलर भी, तमोगुण में आता है। अब ये बताओ ये कौन सी भक्ति है, जब आप नहीं बता पा रहे, आप सुनो जो आप नहीं बता रहे, ये कौन सी भक्ति है? सतोगुणी भक्ति। ये कौन सी भक्ति है? ये सतोगुणी भक्ति, जो ऐसा बोल रहा है वो कौन सी भक्ति कर रहा है? अब मेरे को अब आप बताइए, अगर जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये सतोगुणी भक्ति है, जो मैं सुन के भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वो कौन सी भक्ति कर रहा है? तमोगुणी। और वो ये कह दे कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वो कौन सी भक्ति है? सतोगुणी भक्ति है। कभी को बता तो रहा है कि मैं नहीं करूँ, ठीक है आप बताइए पॉइंट बताइए क्या अच्छा लगा आपको, बताइए कृष्णा प्रभु बताइए हैं क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मतलब ये सुन के आपने आपको अच्छा लगा, आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे, क्या लगेंगे माला, माला करने की माला और बढ़ाएंगे ना? क्या चल रहा है काम, उनको काम करने दीजिए जो काम कर रहे हैं, आप माला करिए, है ना? ठीक है ना, सब लोग अपना अपना काम करके जाएंगे। एक बार मैं कोई चुटकुला सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या करी, ध्यान से सुनिए, बहुत फनी है, सुनो सुनो। एक व्यक्ति ने ना बहुत तपस्या करी, तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आ गए, है ना, ब्रह्मा जी आए थे ना प्रसन्न में, और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी, रघु जी सुनिएगा, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी हाँ पुत्र बोलो, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, ब्रह्मा जी हाँ पुत्र बोलो, ब्रह्मा जी पुत्र बोलो ना, अच्छा ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो कि मेरे को कुछ करना ना पड़े, है ना, सुनिए मुझे कुछ करना ना पड़े, सब है ना, सब लोग आए खुद अपना अपना काम करें,
और मुझे पैसे देके जाए, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो फिर अगले जन्म में वो उसको उसको नौकरी मिली शौचालय के बाहर बैठने की। सब लोग आते हैं अपना अपना काम करते हैं, उसको एक रुपया देके चले जाते हैं, है ना। उसको कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। उसको कुछ नहीं करना पड़ता, है ना, समझे मेरी बात, है ना। उसको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये किस संदर्भ में बात कर रहे थे हम, अभी कुछ था ना, कुछ बता नहीं पा रहे थे, है ना। हाँ, ज्ञान नहीं है तो फिर सर तब बड़ी भक्ति है। हाँ, तो हमें कुछ ना करना पड़े, तब आए और देखे चले जाएं, ये वाली बात। तो हमें भी इसी तरीके से अगर आप बैठे हैं क्लास के अंदर और हमें कुछ नहीं बस सुन रहे हैं, तब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो हमने भी शायद कुछ तपस्या करी होगी। भगवान सब आए बोल बोल के चले जाएं, हमारे सिर में एक जू तक नहीं रहनी चाहिए, है ना। क्या नहीं रहनी चाहिए, एक जू के लिए भी पता है, पहले लोग कई लोग समझदार होते हैं जू के लिए हाईवे बना देते हैं सिर में, नहीं ऐसे हाईवे के जू के लिए फ्लैट हाईवे बन गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं एक जू भी नहीं रहनी चाहिए, पूरा रखते हैं, मतलब समझे। एग्जाम्पल से मतलब कुछ समझने का प्रयास करो कि मतलब हमें कुछ समझ, हम कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, है ना, और बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये है तो समझे आप मेरी बात, तो याद रहेगा ना सब, अब ठीक है। तो हम शेयर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके हैं आज से शुरू, सबसे ज़्यादा किसके लवन, कितने पॉइंट हैं आपके, कितने हो गए, एट हो गए, दादा को नहीं मिले अभी, कितने मिले दादा को, पाँच मिले, आपको आठ मिले ना, लेकिन टोटल मिला के आते हैं, है ना। तो दामोदर आज के बिना है, दामोदर एक बार खड़े हो जाएगी, है ना, दामोदर को माला पहनाएगी, लेकिन दामोदर को सब माला ये एक 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 ही व्यक्ति पहनाएगा, मतलब एक ही माला पहनाएगी। दामोदर आज बिना है, देखिए माला है, दामोदर वो कहाँ है, शनि प्रभु वो भाई मैं छोड़ दूँ, सब जो जो तीन बार हरी बोल बोलेंगे दामोदर प्रभु के लिए, हरी बोल, तो दामोदर प्रभु को पूरे आठ पॉइंट मिलते हैं। दामोदर धन्यवाद आपका, आपने आज सबसे अच्छे पॉइंट बताए, आपको पूरे आठ नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आठ नंबर आपको हमेशा अपने पास रखने हैं, ठीक है ना, अपने पास रखेंगे ना, कोई मांगेगा तो देंगे आप उसको, दामोदर कोई मांगेगा आपको तो देंगे आप उसको, हैं, कितने देंगे, आठ में से कितना देंगे बताओ, सेवन देंगे ना, एक अपने पास, हैं, 7.5 देंगे, 0.5 7.5 अपने पास देंगे, ठीक है। तो जो लोग दामोदर से कुछ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, है ना, ठीक है ना। दामोदर प्रभु के बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, धन्यवाद। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।